अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ठीक है। और कल हमने इनको पैनाडोल वाला पानी यूज़ करवाया था फीवर के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, और आज हम इनको सादा पानी यूज़ करवाएंगे। तकरीबन कैन में पानी है जो ख़त्म हो गया, और इनके आगे फीड भी नहीं है, तो इनको ला के फीड भी डालते हैं, और ये ताकि बर्तन में खाएँ और फीड ज़ाया ना हो। पहले ये ज़मीन पर खाते थे, फीड काफ़ी ज़ाया होती थी। ये मैं फीड लेकर आया हूँ, तो ये जो गोल्डी है ये काफ़ी जम करने की ट्राई कर रही है, तो मैं इसको ऐसे ही डाल रहा हूँ। देखें, वो टांगों से अगर मैं ज़मीन पे गिराऊँ तो ये टांगों से सारी फीड ज़ाया करते हैं, तो बर्तन में मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसको फीड है वो ज़ाया ना जाए और इनके मुँह में जाए। और अभी हमें इनके जो पानी है वो मैं चेंज करके और जो अंकस फैमिली है उनसे जाके मिलते हैं, तो वो कैसी है उनका भी पानी मैं चेंज करूँगा, क्योंकि पैनाडोल वाला पानी है कल से हमने डाला हुआ है शाम को 5:30 बजे, तो आज हम सादा पानी यूज़ करवाएंगे, और कल फिर मैं इनको इनके कैन में विटामिन यूज़ करवाऊँगा एवियन कैप्सूल। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इनका पानी चेंज करने और इनको फीड खाने देते हैं। और ये 14 नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इससे चूज़ों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो आप ये चूज़ों का साइज़ देख लें, ये एक जैसा साइज़ है इनका, और ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। पहले तो ये लेग्स पे बैठ गए थे, तो काफ़ी मुश्किल से ठीक हुए एवियन और वो नैरोबियन टैबलेट यूज़ करके। अभी हम इनको सादा पानी यूज़ करवाते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं सादा पानी ले आया हूँ इनके लिए, ताकि ये सादा पानी पिए। और इनमें से इन चूज़ों में से मुझे एक मेल लग रहा है, क्योंकि जो मेल की टेल है वो देर से आती है, और फीमेल जो मुर्गी है उसकी जो टेल है वो जल्दी आ जाती है। ये जो सेंटर वाला है ये मुझे मेल लगता है, तो बाकी देखते हैं कि इनमें से कौन सा मेल निकलता है। और मुझे जो नीट है वो मुझे मेल की है, तो बाकी देखते हैं, क्योंकि अंगस मेल जो हमारे पास सिर्फ एक ही है और मुर्गियाँ काफ़ी हैं। तो अभी हमने अंगस फैमिली का भी जो पैनाडोल वाला पानी है फेवर का वो भी हमने चेंज करना है, तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं। आइए बाय बाय गोल्डी फैमिली। कैसे हो अंगस? और अंगस के पास फीड भी नहीं है अंगस फैमिली के पास, तो इनके लिए मैं ये टिंडों के छिलके भी लेकर आया हूँ ये वाले, तो ये भी काफ़ी इनको डालते हैं, तो देखते हैं कि ये कितने शौक से खाते हैं। तो इन्हीं इसी बर्तन में मैं डाल दूंगा ताकि ये पहले खा लें, उसके बाद उनके आगे फीड डाल दूंगा। तो इनका पानी भी चेंज करना है, क्योंकि जो पानी है इनका वो है पैनाडोल वाला। सेट पर जो इधर आ जाओ, ये लो। और जो ये बर्तन है फीड का, ये मैंने आज उठाया नहीं था, क्योंकि मौसम ठंडा ही है 2-4 दिन से। और जो ये पानी है इनका, ये मैं चेंज कर दूंगा। और ये जो मुर्गी बोल रही है, मुझे लग रहा है कि ये आजकल में अंडा उतार दे, 3-4 दिन से बोल रही है, तो अभी ये खा नहीं रहे टिंडे के छिलके, तो जो अंगस है वो तो खाना शुरू हो गया। शायद उसको देख के ये जो बाकी की हेंस हैं ये भी खाना शुरू कर दें, ये अच्छी चीज़ है कैल्शियम विटामिन के लिए। और ये तो मुर्गी ने ले ली है, तो अभी हम चलते हैं इनको इनका पानी चेंज करते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। और ये हमने यहाँ से एक जो फ्रेम था जाली का फ्रेम, वो हमने उतार दिया। ये एक फ्रेम ये लगा हुआ है, और दूसरा फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ था, उसकी जो जाली थी वो टूट गई थी, तो वो हम फ्रेम उतार के उसकी हम सेट बैट कर रहे हैं। ये देखें, ये फ्रेम के आगे हम जाली लगाएंगे, ताकि जो बिल्ली है वो इनको कुछ ना कहे। और फिर उस पोर्शन में ये जो अलमारी है काबक, ये हम इस पोर्शन में रख लेंगे, और इस पर हम इसके अंदर हम रखेंगे कबूतर जो पेडिंग के लिए। जब पेडिंग लग जाएगी तो फिर हम उसके बाद उनको निकाल के मास्टर केज में ले जाएंगे, क्योंकि जब पेडिंग हम वहाँ पे लगा रहे हैं तो 4-5 कबूतर एक एक कबूतर के पीछे भाग रहे हैं, तो पेडिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हमने ये आइडिया सोचा था कि हम जो ये सातली जो फैटर मुर्गी का बॉक्स था वो थोड़ा सा वो एक्सपायर हो गई थी मुर्गी, तो वो ये मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, ये कपड़ा हिला है, तो इस वजह से ये डर के पीछे चले गए। तो मैं सेट पे हो जाता हूँ, उनका पानी चेंज करता हूँ। तो जो फैटर मुर्गी थी वो मर गई थी, तो मैं हमने सोचा कि ये इस पोर्शन को इस तरह हम यूज़ में ले आते हैं। तो अभी हम इनका जो पैनाडोल वाला पानी वो चेंज करके मैं अंदर रख दूँगा, और फिर फीड रख दूँगा, उसके बाद ये आराम से फीड खाएँगे, और जो छिलके बच जाएंगे वो सुबह टाइम खा लेंगे। और आज हम मास्टर केज में पिजन में नहीं गए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कल इनको देखेंगे। वो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।